देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। जैसा कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हर रोज समाचार पत्रों की सुर्खियों से शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कि आज कौन सी ऐसी बड़ी खबर है जो कि सुर्खियों में है और जो बहुत ही अहम है। इसी के तहत जो है शुरुआत करना चाहूँगी मैं अमर उजाला समाचार पत्र से, और आपको बताना चाहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। रोज नए नए अपडेट्स इसमें सामने आ रहे हैं और हर एक एंगल की अगर बात करें तो दिन ब दिन जो है इसका एंगल बदलता जा रहा है। जैसे कि बीते दिनों ही ड्रग्स के एंगल ने इसका मोड़ लिया था, वहीं कल रिया चक्रवर्ती भी मीडिया से रूबरू हुई और अपनी बात को रखा उन्होंने। हालांकि CBI की तरफ से जो है कब रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा इसके लिए भी लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है, लेकिन एक लंबे समय के बाद रिया जब मीडिया से रूबरू हुई है तो ये भी अपने आप में एक अहम बात है कि उन्होंने क्या कुछ बात रखी। हालांकि रिया ने जो भी बात मीडिया के सामने रखी उसको देखते हुए सुशांत की बहन ने उस पर आपत्ति जताई और पलटवार भी करते हुए उन्होंने कहा कि रिया जो है लगातार झूठ बोल रही है और मेरे भाई को जो है जो उसकी कंडीशन हुई उसकी जो जिम्मेदार है वो रिया ही है। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि काश रिया मेरे भाई की जिंदगी में आई ना हुई होती। इस तरह से जो है बातें जो है सामने आ रही हैं। रिया जो है उसने अपनी बात रखते हुए काफी कुछ बात जो है उसने खुलासा किया। उसने कहा कि सुशांत के साथ जो है उनका झगड़ा हुआ था और लेकिन जब वो 8 जून को उनके घर से गई थी तो उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद सुशांत का फोन कॉल आएगा और सुशांत उन्हें वापस बुलाएंगे। यानी ये भी कहा कि अगर सुशांत उन्हें बुलाते तो वो सब कुछ भुला करके सुशांत के पास चली जाती, लेकिन वहीं अगर सुशांत के पिता की माने तो सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने ही जहर देकर के जो है सुशांत को मौत के घाट उतारा है। अब देखिए इस पूरे जो है घटनाक्रम में अलग अलग जो है एंगल्स लगातार सामने आ रहे हैं। CBI जो है वो अपना लगातार जो है जांच कर रही है। अगर बात करें रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित से पूछताछ की तो 14 घंटे लगातार मैराथन पूछताछ CBI ने की है। वहीं सिद्धार्थ पठानी से तो लगातार 5 से 6 दिन लगातार वो CBI जो है पूछताछ कर रही है। वहीं अगर नीरज की बात करें जो कि सुशांत के कुक है उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन इन सब पूछताछ के बीच एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर CBI रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ करेगी, चूँकि 7 दिन हो गए और आज 8वां दिन है जब CBI जो है इसमें जाँच कर रही है। DRDO गेस्ट हाउस में लगातार इन लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है। सुशांत सिंह के जो करीबी रहे हैं उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन चूंकि CBI जो है लगातार ये कह रही है कि वो एक होमवर्क की तरह इस पूरे केस को ले रही है, शुरुआत से जो है जांच कर रही है, इसलिए अभी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया है। लेकिन कभी भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन इस बीच जो है देश में ये जो है सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है कि रिया जो है जब मीडिया के सामने मुखातिब हुई तो उन्होंने बहुत सी बातें रखी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनकी बहन ने भी आपत्ति जताई उन बातों को लेकर के। तो इसमें जो भी लगातार अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, और फिलहाल की जो अपडेट की बात करें तो आज 8वां दिन है CBI की पूछताछ का। देखना होगा कि आज के दिन की क्या प्लानिंग होगी CBI की, किस तरह से जो है CBI जो है अब आगे की ओर कदम बढ़ाने वाला है इस पूछताछ में। हालांकि रिया की माने तो रिया को जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और कहीं ना कहीं रिया भी इसके लिए जाहिर सी बात है कि तैयार ही होंगी, चूंकि मीडिया के सामने भी अब वो आ चुकी हैं, खुलकर के अपने बात रख चुकी हैं। तो ऐसे में अब CBI के पास जो सवालात होंगे रिया से पूछने के लिए उस पर भी गौर करने वाली बात है, चूंकि CBI जो है रिया से 8 जून से पहले नहीं बल्कि उस समय से सवाल पूछने वाली है जब से सुशांत और रिया जो है फ्रेंड्स बने, या उनके बीच जो है रिश्ता कब गहराया, कैसे रिश्ते थे उनके बीच में। और अगर 8 जून की बात की जाए तो 8 जून के बाद जाने के बाद घर जब रिया चली गई तब रिया ने क्या सुशांत से बातचीत की फ़ोन पर, और आखिरी बार दोनों के बीच कब बात हुई। इन तमाम सवालों के साथ साथ CBI जाहिर सी बात है उन सवालों
को भी करेगी, जो कि दूसरे लोगों से जो सवालात किए गए उनके आधार पर अब जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके आधार पर सीबीआई जो है रिया से सवालात करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थ पठानी से जो है लंबी पूछताछ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 दिनों से चल ही रही है। वहीं सिद्धार्थ पठानी ने एक और बड़ी बात जो है सीबीआई को बताई, उनसे कहा कि जब 8 जून को रिया घर से गई थी तो सुशांत और रिया का झगड़ा हुआ था, लेकिन इस झगड़े के पहले एक बहुत चौंकाने वाली भी बात है और बहुत ही अहम बात यह है कि सुशांत जो है 8 हार्ड डिस्क को नष्ट सुशांत के द्वारा किया गया था और बकायदा आईटी सेल को सुशांत के घर बुलाया गया था और उस हार्ड डिस्क को जो है नष्ट किया गया था। एक बहुत अहम जो है सवालात यहाँ पर ये बनता है कि आखिर उस हार्ड डिस्क को नष्ट क्यों किया गया, क्या था उस हार्ड डिस्क में जिसे नष्ट किया गया, क्या किसी का दबाव था सुशांत पर जो उन्होंने उस हार्ड डिस्क को जो है नष्ट किया, या फिर जो है रिया की तरफ से कोई दबाव था, रिया जो है उनको किसी तरह से फोर्स कर रही थी कि उन हार्ड डिस्क को वो नष्ट करें। देखिए सवालात तो बहुत सारे हैं, अब जवाब जो है सीबीआई लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। सुशांत के लिए यही बात सामने आ रही है कि आखिर वो उन्होंने क्या आत्महत्या किया, या उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, या उनकी हत्या की गई। ये जो एक अहम सवाल जो है लगातार बना हुआ है, देश की निगाहें इस सवाल के जवाब को, जवाब जब मिलेगा उसके जवाब पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सीबीआई की तरफ से माने तो जो लगातार पूछताछ चल रही है उस बीच में जो है एक अहम जो है किरदार सामने आया वो है संदीप सिंह का। देखिए इस पर भी मैं आपको अपडेट देना चाहूँगी कि संदीप सिंह जो है ये अचानक से ही सामने आया और इसने कहा कि ये सुशांत सिंह का दोस्त है, जबकि रिया से जब पूछा जा रहा है कि क्या वो संदीप सिंह को जानती थी तो रिया का कहना है कि उसने कभी सुशांत से इस नाम का जिक्र ही नहीं सुना है। हाँ, और वहीं जो संदीप है जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया, ये लगातार जो है दावे कर रहे हैं कि वो सुशांत के दोस्त थे और जिस वक्त सुशांत की बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया तो संदीप जो है वहाँ पर मौजूद थे और उनका ये कहना है कि एम्बुलेंस को फ़ोन उन्होंने किया, वो लगातार मीतू जो कि सुशांत की बहन है उनके साथ जो है वो खड़े थे, उनके साथ जो है डटे हुए थे जब ये खबर आई कि सुशांत अब नहीं रहे। तब से लेकर के संदीप सिंह का रोल जो है यहाँ पर बहुत ही संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, चूँकि कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये किरदार अचानक से कहाँ आया। ड्रग एंगल्स का खुलासा तो देखिए लगातार इसमें चल ही रहा है, एक नया एंगल तो चल ही रहा है, लेकिन जो रिया का व्हाट्सएप चैट रहा है उसके आधार पर भी जो है एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है उसने जो है केस तो दर्ज किया है, 4 लोगों को रिया के साथ जो है केस दर्ज हुआ है। अब इस पर जो जाँच होगी कि आखिर ये जो नया एंगल निकल के आ रहा है क्या इसकी वजह से सुशांत की जो हालत थी वो हुई, या सुशांत जो है इस कह सकते हैं कि इस दौर से गुजर रहे थे, इस कगार पर आ चुके थे कि उन्होंने आत्महत्या करने जैसा फैसला लिया, या फिर ड्रग्स के एंगल्स को देखते हुए क्या सुशांत को वाकई में उनकी हत्या की गई है, क्या कोई अहम जानकारी जो है सुशांत के पास थी जो कि जो लोग नहीं चाह रहे थे जो कि इस ड्रग्स माफिया से जुड़े हुए हैं वो नहीं चाह रहे थे कि सुशांत इस बात की जानकारी या इस बात का खुलासा लोगों के सामने करे, इसलिए सुशांत को मार दिया गया। देखिए अब सवालात तो बहुत सारे हो गए हैं, हालांकि सीबीआई की तरफ से जो है सुशांत की एटोप्सी जो है उसकी जांच की भी बात हो रही है, रिपोर्ट्स जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उस पर भी सीबीआई लगातार जांच कर रही है। कूपर अस्पताल जो है सीबीआई पहुंची थी बीते दिनों, वहां पर भी जो है पोस्टमार्टम को लेकर के वहां के डॉक्टर से बात की गई, एम्स के डॉक्टर से भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि रिपोर्ट में जो कुछ भी जो रिपोर्ट है उसमें आखिर खामियां कहां हैं, क्योंकि सुशांत सिंह के पिता के वकील कि अगर बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों देखिए ये बात रखी थी कि सुशांत को के जो कुक है नीरज उसने ये कहा था कि जो सुशांत है और लास्ट में उन्होंने जूस या फिर नारियल पानी पिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है देखिए तो वहाँ पर इस बात का कोई जिक्र नहीं होता, तो संदेह यहाँ भी बनता है। और जो वकील हैं उन्होंने भी इस बात को उठाया कि आखिर ये इन तथ्यों को जो है नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, साथ ही साइकोलॉजिकल
एटॉप्सी की बात देखिए लगातार हो रही है, इस पर भी जांच जो है की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि साइकोलॉजिकल एटॉप्सी में आखिर इसकी ये होती क्या है और इससे क्या कुछ जो है कह सकते हैं कि जांच करने के बाद कुछ जो है अहम बिंदु निकल करके आ सकते हैं। देखिए एटॉप्सी रिपोर्ट में जो सुशांत की जो एटॉप्सी रिपोर्ट होगी उस पर जो है एक रिसर्च की जाएगी कि आखिर जब उनकी मौत हुई तो उससे एक हफ्ते पहले जो है किस मेंटल दौर से सुशांत जो है गुजर रहे थे। एटॉप्सी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ों की जांच की जाती है कि जो व्यक्ति है उसकी जो है साइकोलॉजिकल स्थिति क्या थी, क्या वो पहले की तरह अगर वो खाते पीते थे तो उन एक हफ्ते के दौरान में क्या उनका खाना पीना वैसा ही था, जो सोने का समय होता है अमूमन उस समय पर क्या सुशांत जो है डेली सोया करते थे, फ़ोन पर जब वो बात क्या करते थे तो उनके बात करने का क्या अंदाज़ होता था। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लिखता है, यानी अगर सुशांत जो है चूँकि फेमस पर्सनैलिटी रहे वो हमेशा जो है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते थे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अगर वो अपने जो पोस्ट किया करते थे उस पोस्ट में क्या उन एक हफ्तों में कोई बदलाव आया था, कोई ऐसे शब्द से निराशाजनक या फिर ऐसे कोई ऐसे शब्द से जिससे ये जाना जा सके कि वो किसी तरीके की जानकारी शेयर करना चाहते थे, तो इन जो तमाम चीज़ों को है उस पर जो है गौर करके एक रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। अब सीबीआई जो है इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि जो आत्महत्या की बात हो रही थी इस पर जो है गहनता से जो है जांच हो रही है। पिछले दिनों सीबीआई ने जैसा कि सभी को पता होगा कि सीन को रिक्रिएट किया गया था, यानी एक डमी जो है सीबीआई ने तैयार की थी और ठीक सुशांत के वेट और हाइट की डमी जो है तैयार की गई और उनके उसी कमरे में जहां पर ये बताया जा रहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया, अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया, तो वहां पर ले जा करके जो है उस डमी को जो है वहां पर ट्रायल के लिए रखा गया, जिसके बाद सीबीआई ने ये जो रिपोर्ट पेश की है उसके आधार पर सीबीआई का कहना है कि अगर आत्महत्या की बात है तो ये पॉसिबल है क्योंकि सुशांत की जो हाइट थी वो और पंखे से बिस्तर की जो हाइट थी वो उसके बाद जो है अगर सुशांत की डमी को रख करके देखा गया कि क्या उस डमी के द्वारा खुद से फांसी लगाया जा सकता है या किस तरह से क्या यहाँ पे फांसी पॉसिबल है, क्योंकि लगातार ये बात उठ रही थी कि कमरे में जो है स्टूल नहीं था, किसी तरह का कोई टेबल नहीं था, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति बेड पे चढ़ करके फंदा लटका सकता है। तो देखिए सीबीआई की रिपोर्ट रही है, यहाँ पर मैं सीबीआई की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ कि उनके रिपोर्ट के आधार पर जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, किया जा सकता है, लेकिन अभी सुशांत के केस में ये उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया कि हाँ सुशांत ने ऐसा ही किया है। हाँ एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि जिस तरह से लगातार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस जो है लगातार इस सवाल को लेकर के खड़े हो रहे थे कि वहाँ टेबल नहीं था, स्टूल नहीं था, कैसे ये पॉसिबल है, तो उस पर जो है सीबीआई रिपोर्ट पेश की कि हाँ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, कोई भी व्यक्ति जो है जो सुशांत की हाइट का होगा वो यहाँ पर खड़ा होकर के ऐसी जो है घटना को अंजाम दे सकता है। अब हालांकि इस पर जो है आगे जांच चल रही है, अभी सीबीआई की तरफ से इसको पुख्ता नहीं किया गया है क्योंकि जो एंगल्स हैं उसको अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुशांत के हत्या करने की जो है और इशारा कर रही है सारी जो घटनाएं हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अपडेट मैंने आपको दी कि उनकी बहन ने जो है लगातार जो है इस पर आपत्ति जताई कि रिया जो है उनके भाई की छवि को ख़राब कर रही हैं, मीडिया के सामने आकर के वो जो सुशांत के बारे में कह रही हैं कि सुशांत जो है मेंटली डिस्टर्ब रहते थे, बहुत चिड़चिड़े टाइप के हो गए थे, रिया के साथ उनके संबंध जो है अच्छे नहीं थे, तो इस तरह की बातों पर उन्होंने आपत्ति जताई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुशांत के पिता का भी यही कहना है कि जो है रिया ही उसकी जिम्मेदार है। अब देखिए इस पूरे जो घटनाक्रम रहा है, जिस तरह से ये मोड़ हो रहा है, देखना होगा कि सीबीआई की तरफ से जो है रिया को कब बुलाया जाता है और उससे सवालात कब किए जाते हैं और क्या कुछ खुलासे उसके बाद होते हैं। तो जैसा भी जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे इस गुड मॉर्निंग शो में, तो अपडेट आप तक पहुंचती है। उसके अलावा हम दिन भर भी जो भी खबरें होती हैं उस पर अपडेट देते हैं, इस खबर पर भी आपको अपडेट जो है लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस खबर के बाद हम बात कर लेते हैं देश में कोरोना की स्थिति क्या है और बात करते हैं कि आज जो है कोरोना के आंकड़ों में किस तरह से जो है
आंकड़े जो है देखे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी भी भारत में पिछले दो दिनों से इस महामारी को लेकर के लगातार चिंता बनी हुई है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक भयावह रूप लेते जा रहे हैं। अगर हम लगातार बात करें आज दूसरे दिन की, तो 76,000 से अधिक केस जो हैं अब तक पाए जा चुके हैं। बुधवार की अगर बात करें यानी बीते कल की, तो आंकड़ा जो था 76,014 नए मामले आए थे, लेकिन आज की अगर बात कर रहे हैं तो ये आंकड़ा जो है 76,000 से अधिक का पार हो चुका है। और ये मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अगर 24 घंटे की बात कर रहे हैं तो 1,081 मौतें भी हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। और आपको ये भी बता दें कि इस केस को लेकर के जो है लगातार जो है वैक्सीन की बात जो है लगातार की जा रही है। हालांकि अभी तक जो है भारत की तरफ से जो तीसरा ट्रायल चल रहा है उसको लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं इंतज़ार करने की ज़रूरत है, लेकिन इस बीच ऐसा कह सकते हैं कि अभी आपको सावधानी और सतर्कता बरतने की भी बेहद ज़रूरत है। और देखिए आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो ये आंकड़े तो दिन ब दिन जो है बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 24 घंटे का ये आंकड़ा रहा है। और देश में अब भी जो है रिकवरी जो अगर रेट की अगर हम बात करें तो 25.8 लाख तक की इसकी रिकवरी हो चुकी है, यानी लोग जो है ठीक होकर के अपने घर जा रहे हैं। लेकिन वहीं होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की अगर संख्या की बात करें तो उसमें भी जो है इजाफा देखा जा रहा है। लोगों को हर तरीके से जो है सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर आप होम क्वारंटीन में हैं तो आपको किस तरह की सावधानी बरतनी होगी और किस तरह से जो है आपको जो है हर एक सावधानी को बरतते हुए खुद को सुरक्षित रखना है। उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक लिस्ट जो है जारी की कि आपको आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए अगर आप होम क्वारंटीन में हैं, तो कौन कौन सा ऐसा समय होगा जब आपको कौन सी दवाइयां लेनी है, किस तरह से क्या जो है इसके लिए सतर्कता बरतनी है। तो देखिए एक पूरी सुबह से लेकर के रात तक की एक पूरी लिस्ट जो है सरकार की तरफ से जारी की गई थी। बताया गया था कि आप जो है समय समय पर भाप लेते रहिए और जो पैरासीटामोल का इस्तेमाल जो है उन्होंने बताया था, साथ ही काढ़ा जो है पीने की बात भी सरकार की तरफ से की गई थी। और ये सारी सावधानियां जो हैं वो समय समय पर बताई जा रही हैं। वहीं अगर हम बात कर ले जब बाबा रामदेव की तरफ से कोरोनिल दवाई की बात आई थी, जब ये हो रहा था कि आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो कि बहुत ही कारगर साबित होंगी कोरोना महामारी के बीच में, तो इस नाम को लेकर के काफ़ी जो है विवाद भी हुआ था कि इस नाम को लेकर के किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। तो इस पर जो है एक जो है चल रही थी बातचीत, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोरोनिल नाम के लिए जो है पतंजलि आयुर्वेदा को अब इसके लिए उन्होंने अनुमति दे दी है, इजाज़त दे दी है कि आप कोरोनिल जो है इस ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ये जो है बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं कि अब जो है कोरोनिल नाम का इस्तेमाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है पतंजलि के लिए रास्ता जो है साफ कर दिया गया है। बीते दिनों ही जब पतंजलि की तरफ से इस दवाई को लेकर के काफ़ी दावे किए गए थे कि ये आयुर्वेदिक दवा है, और देखिए शुरू से हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती हैं वो हमारे हमें साइड इफ़ेक्ट्स कभी नहीं करती हैं, और कहीं ना कहीं कोरोना से अगर जंग जीतना है तो आयुर्वेदिक का जो है सहारा शुरू से ही लिया जा रहा है। काढ़े की बात हो रही है, उसमें जो गिलोय की बात लगातार हो रही थी कि ये बहुत ही एक ऐसी औषधि है जो कि कोरोनिल के लिए आपको थोड़ी सी जो है राहत ज़रूर दे सकती है। तो अब जो है अब देखना होगा कि ये जो पतंजलि क्या इस ब्रांड को लेकर के अब इस दवा को लॉन्चिंग को लेकर के कब बात रखी जाएगी, क्योंकि बहुत पहले ही ये जो है इसके आने की बात हुई थी लेकिन तब रोक लग गई थी, लेकिन अब वापस से अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल गई है तो अब देखना होगा कि आखिर ये दवाई जो है कब मार्केट में आती है, कब लोगों तक पहुंचती है और लोगों को इसका कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि पतंजलि की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि इसका ट्रायल जो है लिया गया है और ये बहुत ही जो है सक्षम निकला है, लेकिन अब देखना होगा कि ये दवाई कब आती है और लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद पहुँचाती है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो है खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है, चूँकि कोरोना का समय है, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार जो है बड़ी बातें जो है सामने आ रही हैं। पिछले दिनों नीट और जेई एग्ज़ाम को लेकर के जो है चलता रहा है विवाद कि इस परीक्षा को क्या रद्द किया जाए या करवाया जाए या समय पर करवाया जाए और कैसे करवाया जाए। वहीं जो है स्कूलों को लेकर के भी लगातार जो है बात सामने आ रही है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब अनलॉक फेज 4 में हम जाएंगे तो हो सकता है कि स्कूलों को खोलने की जो है बात की जाए। हालांकि अभी इस पर विचार चल रहा है, अभी इस पर कुछ भी जो है साफ नहीं हो पाया है। इसी बीच आपको बता दें कि UGC की तरफ से भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला जो है वो आज सुनाया जाएगा कि आखिर UGC की अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएँ हैं वो होंगी या नहीं होंगी या कब होंगी। इस पर जो है आज इस खबर पर नज़र जो है हमारी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट चूँकि आज इस पर फैसला सुनाने वाला है और आपको बता दें कि 6 जुलाई के सर्कुलर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो हैं इसको रद्द करने की याचिका जो है डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो लगातार मांग हो रही थी कि इसको रद्द किया जाए, फिलहाल ना किया जाए, स्थगित किया जाए। लेकिन ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आज जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाली है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति MR शाह की खंडपीठ जो है इस पर जो है विचार करेगी और आज जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि 18 अगस्त को ही ये फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया था कि इस पर क्या अहम कदम उठाने हैं, लेकिन आज जो है इसको जो है कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप पर इसको, इस फैसले को सुनाया जाएगा, जिस पर नज़रें जो है सभी विद्यार्थियों की जो है टिकी हुई हैं। अभिभावक जो हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं अभिभावक जो है वो भी चिंतित रहते हैं। अब क्या परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इस पर जो फैसला आएगा हम आप तक तुरंत इसकी जो है अपडेट ज़रूर पहुँचाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर के जिस तरह से 5 अगस्त को जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो है वहाँ भूमि पूजन तो कर दिया गया, लेकिन अब निर्माण को लेकर के कहीं ना कहीं ये लगातार हो रहा है कि आखिर निर्माण कब शुरू होंगे। साथ ही आपको बता दें कि UP सरकार की तरफ से जो तैयारियाँ हैं उनकी अगर बात करें तो की जा रही हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है अब जो है भूमि पूजन के बाद निर्माण की ओर जो है जो उनकी प्लानिंग है वो आगे की ओर बढ़ रही है। ये भी अपने आप में एक अहम है और आज जो है इसमें जो अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पर जो पुरानी जो मंदिर थी जहाँ जो बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो रही है, अब उसकी भी मरम्मत जो है आज इसकी भी शुरुआत की जा चुकी है। तो ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की अयोध्या की, जहाँ पर राम मंदिर को लेकर के, निर्माण को लेकर के देश की निगाहें जो है टिकी हुई हैं। इंतज़ार लोग कर रहे हैं कि ये जब निर्माण होगा यहाँ पर मंदिर का, एक भव्य निर्माण जब होगा तो यहाँ पर एक जो है कह सकते हैं कि पर्यटन के लिहाज से भी लोगों के लिए बहुत अहम होने वाला है। और यूपी की ही बात कर लेते हैं, जिस तरह से लगातार पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले जो बारिश की स्थिति रही थी, जो बाढ़ की स्थिति रही थी, उससे यूपी के कुछ ऐसे ज़िले के गाँव हैं जो कि लगातार जो है कह सकते हैं कि तकलीफ़ों का दौर जो है वहाँ पर अभी भी बरकरार है। बाढ़ की स्थिति के बाद जो है लोगों को जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, साफ़ पीने का पानी जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि NDRF की तरफ से भी जो है लगातार इस पर जो है काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अहम खबर पर नज़र हम डालेंगे। आपको बता दें कि IS ने भारत में 100 से ज़्यादा जगहों पर आतंकी हमले की साजिश रची है और इसको लेकर के लगातार इनपुट्स जो हैं लगातार हम मिल रहे हैं। आपको बता दें कि IS द्वारा भारत में आतंकी हमले के इनपुट्स जो हैं अभी भी बने हुए हैं, जैसा कि चूँकि 15 अगस्त की बात हो रही थी जब देश स्वतंत्रता दिवस जो है मना रहा था, उस वक्त भी जो है इनपुट्स लगातार मिल रहे थे कि आतंकी जो है सक्रिय हो सकते हैं। और उसी के बाद जो है कुछ दिनों के बाद ही देखिए दिल्ली में जो है रिंग रोड के पास एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया था, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और अभी भी जो है पुलिस विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है।
लगातार जो है देखा जा रहा है। और इसी के तहत ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आईएस के जो आतंकी हैं वो भारत को टारगेट जो है किए हुए हैं। ऐसी 100 जगहें हैं भारत में जहाँ पर आतंकी जो है लगातार सक्रिय नज़र आ रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से अगर बात की जाए, भारतीय सेनाओं की बात की जाए, तो लगातार मुस्तैदी भी दिखाई जा रही है। सेना जो है लगातार डटी भी हुई है, सर्च ऑपरेशन जगह जगह पर चलाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें जहाँ पर ज़्यादा जो है खतरा मंडराता है आतंकियों को लेकर के, क्योंकि आतंकी जो है सीधा भारत की राजधानी दिल्ली को अक्सर वो उसी को टारगेट जो है बना करके चलते हैं। तो ऐसे में जो है लगातार वहाँ पर जो है भारतीय जवान जो है वो सतर्क हैं, पुलिस विभाग जो है सतर्क है, आईटी सेल है उसकी निगाहें भी लगातार इसको लेकर के सतर्कता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये तो रही आज की जो है कुछ अहम खबरें जो मैंने आपको बताई, और बाकी खबरों पर जो है हमारा अपडेट जो है आपको दिन भर मिलता रहेगा। हमारी पूरी टीम जो है हर एक खबरों पर जो है निगाहें जो है बनी हुई होती हैं, और हम लगातार आपको खबरों का अपडेट देते रहते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC 4 न्यूज़। नमस्कार।